आदाब एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल। आज के शो अहम बात पे मेरे साथ आज के जो खास मेहमान हैं वो हैं एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह। वेलकम टू द शो। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे दैट इट इज़ फॉर एवरीवन टू सी एन एक्सपीरियंस कि सिटी की काफ़ी अपग्रेडेशन हुई, लेकिन रोड वाइडनिंग का जहां तक ताल्लुक है, नथिंग ग्रेट वी सॉ। वाइडनिंग कोई खास लेवल पे हुई नहीं कहीं पे, बहुत चंद जगहों पे। और जो ट्रैफिक है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं यूटी में, एंड इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दैट। जी, क्या है लॉन्ग टर्म प्लान? इफ यू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, अगर हम इफ यू डिस्कस इट, ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो ट्रैफिक पुलिस का रोल है, इट्स ए वेरी स्पेसिफिक एंड डिफाइंड रोल। मेरा जो रोल है इट इज कि हमें एनफोर्समेंट करनी है इन टर्म्स ऑफ द मोटर व्हीकल जो रूल्स एंड लॉज है और रेगुलेशन। सो दीज आर माई टू डिफाइंड जो एरियाज जहाँ पे मुझे काम करना है। बट इफ यू सी जो एम्बिट है, इसमें देर आर गुड नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स जिनका बहुत अहम रोल होता है, और अगर उनकी जो इन्वॉल्वमेंट इसमें पूरी नहीं हो तो द होल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान गोज फॉर अ टॉस। इसमें जस्ट टू नेम अ फ्यू, R&B, आई मीन वी आर टॉकिंग ऑफ रोड्स। अगर आप श्रीनगर सिटी की रोड्स की अगर आप बात करेंगे तो इफ यू सी वी हैव नॉट एडेड दैट मच टू द रोड लेंथ, सो इन अ सेंस कि स्टैटिक है, कुछ ही किलोमीटर्स इसमें इंक्रीज हुआ। बट एट द सेम टाइम इफ यू सी द नंबर ऑफ व्हीकल्स विच हैव बीन एडेड इज वेरी हाई, वेरी हाई, आई से वेरी हाई। इसमें बेसिकली एक जो एक चीज हुई विच हैपन बिकॉज ऑफ द बार ऑन जो 10 ईयर या 10 साल से ज्यादा जो एज की गाड़ियां थी जो दिल्ली में बिकॉज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग से, तो वहां पे 10 साल पुरानी अगर आपकी डीजल गाड़ी आप नहीं चला पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड कि कश्मीर एक वो लिटरली आई वुड से डंपिंग यार्ड बन गया है फॉर ऑल ऑफ सच व्हीकल्स जो दिल्ली रजिस्टर्ड हैं, पंजाब रजिस्टर्ड या हरियाणा रजिस्टर्ड। दिस इज वन। सो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें कि हाउ मेनी व्हीकल्स पर से आर रजिस्टर्ड, सो अभी श्रीनगर में इट इज इन एक्सेस ऑफ 3 लाख विच आर रजिस्टर्ड। तो उस हिसाब से वी आर टचिंग समवेयर अराउंड 4-4.5 लाख के करीब हमारी गाड़ियां श्रीनगर सिटी में है, बट द क्वांटम ऑफ द रोड लेंथ इज ऑलमोस्ट द सेम। सो दिस इज इंक्रीज्ड द प्रेशर ऑन द रोड्स, सो दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस फ्रॉम द ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट इज व्हाई आई से कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, R&B और फॉर दैट मैटर फैक्ट श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रोल है। वी टॉक ऑफ द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जहाँ पे गाड़ियां रजिस्टर होती हैं, हर किसी का डिफाइंड एंड स्पेसिफिक रोल है जिनका इम्पैक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट पे बहुत पड़ता है। यू नो आइडियल सिचुएशन मेरे लिए ये है कि आई शुड हैव मल्टीपल यू नो कार पार्किंग एरियाज एट मल्टीपल प्लेसेस। अनफॉर्चुनेटली श्रीनगर में हमारे पास जो है कार पार्किंग्स की बहुत कमी है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पीपल आर फोर्स्ड टू पार्क देयर कार्स ऑन द रोड्स। अगर आप देखेंगे साउथ और अगर इसमें नॉर्थ की बात करेंगे श्रीनगर सिटी की, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो हमारा लाल चौक कंप्राइज करता है, और अगर हम जो अप डाउन है राजबाग जो और बाकी जो एरियाज हैं, देर इज ओनली वन ब्रिज विच कनेक्ट। अगर आपको पैदल चलना है आपके पास 5 ऑप्शन है जहलिम को क्रॉस करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है देर इज ओनली वन ऑप्शन। सो लिमिटेशन आर देर एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप देखेंगे कि कहीं एरियाज पे कंजेशन आपको दिखता है। But I just wanted to interrupt you here as from your पर्सपेक्टिव, आपको लगता है कि जो ओल्ड जीरो ब्रिज था उस पर ट्रैफिक बंद कर देना, वाज इट हेल्पफुल और इट जस्ट क्रिएटेड मोर इश्यूज? ट्रैफिक मैनेजमेंट आई वुड आइडियली वांट कि एक के बदले 2 या 3 ब्रिजेस हों, करेक्ट, सो ताकि क्योंकि ऑप्शंस मिले लोगों को क्रॉस करने में। अब क्योंकि ऑप्शन है नहीं, आइडियल सिचुएशन वुड बी जीरो ब्रिज हो या जो कॉन्वेंट वाला जो है, दिस शुड हैव बीन मेंट फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक। बट फॉर वट एवर रीजन, वट एवर वॉज अ पॉलिसी उस टाइम, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड। बट आइडियली आई वुड वॉन्ट कि इस पे मल्टीपल ब्रिजेस हो ताकि लोगों को आसानी हो क्रॉस करने में, क्योंकि ये सारा फनल होके एक ही जगह आ जाता है। इसकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है जिसके ऊपर हम गाड़ियों को क्रॉस करा लेते हैं, उससे प्रॉब्लम आ जाती है। एंड आइडियल सोल्यूशन अगर आज की डेट में हम देखें फ्रॉम द स्मार्ट सिटी साइड इज दैट हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो स्मार्ट बसेस
जो स्मार्ट बसेज यहाँ पे आ रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट पार्ट यहाँ पे हमारे पास है दैट वी लैक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, पीपल आर फोर्स टू टेक ओन कार्स. इंशाल्लाह होपफुल दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर गेम चेंजर फॉर श्रीनगर, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक बस आएगी, एक तो यह है कि पोल्यूशन नहीं होगा इससे, दूसरा यह है कि इट इज यूजर फ्रेंडली, लो फ्लोर बसेस ना चढ़ने उतरने में भी आसानी रहती है. तो श्रीनगर में अगर 100 बसें ये चलेंगी, आप देखेंगे कि इसमें जो हजारों हमारी गाड़ियां जो चल रही हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं, वो ऑफ रोड हो जाएंगी उससे. तो सडनली इससे क्या है कि कॉरिडोर्स ओपन अप हो जाएंगे. एक आदमी नॉर्मल कम्यूट में 300-500 रुपए उसके खर्च हो जाते हैं, यही कम्यूट इसका 50-100 रुपए में हो सकता है. अच्छा, जो स्कूल टाइमिंग्स है वो अभी रिसेंटली देयर इज एन ऑर्डर दैट यू नो स्कूल टाइमिंग्स आर फ्रॉम 9 to 3. तो ये पी कार्स 9 से 10 पी कार है, 3 से 4 पी कार है, इनफैक्ट 5 बजे तक. आई एम नॉट वरीड अबाउट एज मच वरीड अबाउट द एडल्ट्स, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है. इस साल जब स्कूल शुरू हो गए तो मैंने एक कम्युनिकेशन भेजी थी वेर एन आई हैड रिकमेंडेड चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स. देखेंगे इट वाज ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस स्कूल टाइमिंग्स चेंज होगी, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मैं ट्रैफिक मैनेज करता हूं श्रीनगर में, बट एज अ पेरेंट ऑल्सो आई डू नॉट वॉन्ट कि मेरे बच्चों को खाम खामे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा सड़क पे गुजारना पड़े. हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है रोड्स की, ब्रिजेस की जो भी है. तो जब एक साथ लोग निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, इट इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू एवरीवन. अराउंड 17-18 हजार बच्चे 3 बजे इन वन गो निकलते हैं. आई मीन कैपेसिटी है हमारे पास एक स्पेसिफिक एंड डिफाइंड, इसके अलावा जब आप इसको पुश करते हैं देन एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस. मेरी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से अभी बात हुई, मैंने कहा कि खुदा के वास्ते ये यू नीड टू रीलुक ऑन दिस वन, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पेरेंट ऑल्सो. मैं एज अ पेरेंट कह रहा हूँ आपको कि मेरे बच्चे अब काफी लेट पहुंचते हैं घर, आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन. लेकिन ये है कि आई एम गोइंग टू राइट टू देम ऑल्सो कि दैट दिस नीड्स अ रीलुक, बिकॉज वी शुड नॉट पुट आवर किड्स टू इनकन्वीनियंस. करेक्ट. ट्रैफिक लाइट्स का जो सिस्टम है, एक जिसे हम TLS कहते हैं स्पेसिफिकली, वो ना अपग्रेड हुआ और ना वो उस तरह से प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो पाया. 2010 में एक एनालिसिस हुआ कि कहां कहां पे हमें ट्रैफिक लाइट्स यू नो लगानी है. अनफॉर्चुनेटली यही सिलसिला जो 2010 में शुरू हो गया वो 2017 तक वही चला. फाइनली जो ना इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आई तो वो 2022 में हो गया. सो समथिंग विच वॉज रेलिवेंट इन 2010 इट कैन नॉट बी रेलिवेंट टूडे, इन अ सेंस वी नीड टू हैव अ रिलुक ऑन दैट. दूसरा यह है कि हमारी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो ATCS जो हमारा एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो अभी चल रहा है, ये अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है ITMS जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है. उसमें क्या है कि कैमराज इंस्टॉल हो रहे हैं एट स्पेसिफिक लोकेशंस, तो ट्रैफिक लाइट्स का जो है डायनेमिक सिस्टम उसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा और हमारी जो चालानिंग होगी वो मैरियप हो जाएगी विद द ITMS. उससे एक वंस दिस होल थिंग इज यू नो डन, देयर आर गुड नंबर ऑफ जंक्शंस जो हम ओपन अप करेंगे फॉर द फुली फंक्शनैलिटी ऑफ दीज ट्रैफिक लाइट्स. अनफॉर्चुनेटली इन श्रीनगर सिटी हमारी जो आदत ट्रैफिक लाइट को फॉलो करने की नहीं रही है, जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट हैव वन टिल 2022. स्मार्ट सिटी में जो काम जो चल रहे थे, बिकॉज इस लेवल का जो है काम आई डोंट थिंक इन रिसेंट मेमोरी कभी हुआ है एट दिस पर्टिकुलर लेवल. सो स्लोली एंड श्योरली थिंग्स आर मूविंग, लेकिन थोड़ा सा ओवर टाइम लगेगा. कोशिश रहेगी कि अगले 2-4 महीनों में वे ना ओपनिंग अप ऑल द लाइट्स. अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर एक मोटरिस्ट जो श्रीनगर में ड्राइव करता है, ही केयर्स अ हूट अबाउट द लाइट्स, कि लाइट हो ना हो इट डज नॉट मैटर. लेकिन यही बंदा जब जम्मू जाता है या जम्मू से बाहर जाता है तो दे आर वेरी केयरफुल अबाउट ट्रैफिक लाइट. सो अल्टीमेटली इशू जो आता है वो बिहेवियरल इशू है. जब तक आप इस पर थोड़ा सा कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ हमारे हमें काफी चेंज लाना है. हम लोग कभी मैसिव या बिकॉज लेन ड्राइविंग हम लोग फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक लाइट सिस्टम जहां जहां भी लगी हुई है. मैं मानती हूँ कि कोताही है और अभी लाइट्स लगनी है और वो सिस्टम एक रोबस्ट सिस्टम एक यू नो वी हैव टू गेट इट इन प्लेस, बट एक डिसिप्लिन की जहां तक बात है ड्राइविंग वो हमें नहीं है. आई कैन टेल यू विद अथॉरिटी कि हमारे जो मेजॉरिटी जो हमारे ड्राइवर्स हैं दे आर इंसिडेंटल ड्राइवर्स. जस्ट बिकॉज कि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है
it does not quantify you as a driver who knows everything about driving. अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि what are the mandatory signs जो है informatory signs क्या है या अगर आप markings देखें road पे ये किस लिए है no one is going to answer you. जब आपको ABC पता ही नहीं है driving का तो आप क्या justice करेंगे that is why you see what exactly is happening on the roads. On the roads. अच्छा कुछ complaints इधर उधर सुनने को मिली हैं कि cops जो हैं traffic cops जो हैं वो तस्वीर खींच लेते हैं चालान merit करता है या नहीं करता है तो वो complaints का आप क्या comment करेंगे? जब मैंने join किया तो I try to discourage जो manual चालान हम करते थे तो पहले के paper पे लिखा जाता था manual चालान so I try to discourage that and ultimately I wound that up हमारा अब कोई manual चालान नहीं होता so we went with 100% e-chalaning. A new concept. First idea था कि हम inculcate करें लोगों में कि there's something known as e-chalaning. हमारी जो चालानिंग होगी वो control room में बैठ के through a system algorithm खुद ही वहाँ पे there are you know analytical cameras. Slowly and surely we're moving towards that. आप देखेंगे कि very soon हमारा जब integration हो जाता है इसमें तो जो चालानिंग आपकी होगी वो through ITMS होगा और ये जो कहेंगे ना कि wireless है पर्सनलेस है सीमलेस है क्योंकि कंट्रोल रूम में बैठ के आपका चालान होगा और इट विल बी सपोर्टेड बाय अ वीडियो एज वेल एज अ पिक्चर तो उसमें कोई गलती की या कोताही की कोई बात नहीं होगी बट द फैक्ट वाज दैट हमें लोगों में एक वो बेदारी पैदा करनी थी कि ई चालान कोई चीज है और ये आपका हो सकता है बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मैं हूं यूसरा हुसैन और शो जारी है अहम बात वेलकम बैक अहम बात में मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं वो हैं एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर सिटी मुजफ्फर अहमद शाह कंटिन्यूइंग व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कई लोग ऐसा कहते हैं कि डाइवर्जन्स जो हैं वो अननेसेसरी है वो बस लेंथ ऐड करते हैं और डिस्टेंस ऐड करते हैं क्या ऐसा सही है आपने एक पर्टिकुलर फंडामेंटल चीज देखनी है कि व्हाई ए डाइवर्जन इज देयर तो मैं आपको बता दूं द डाइवर्जन्स वो मैंने भी इनहेरिट किया है जब आई टुक ओवर सो जब डाइवर्जन ना लगा था द आइडिया वाज कि ट्रैफिक को रुकने नहीं दो इसको चलाने दे आप सो दैट इट शुड रिमेन ट्रैफिक जो मूव करता है तो ठीक रहता है उसमें सिस्टम अब बेसिकली क्या था कि उस टाइम लाइट्स भी नहीं लगी थी तो दैट वाज अ नेसेसिटी उस टाइम अब व्हेन द टाइम केम फॉर रिमूवल ऑफ दीज डाइवर्जन्स तो हमारा जो है काम शुरू हो गया स्मार्ट सिटी का आई विल गिव एन एग्जाम्पल हैदरपुरा जंक्शन में इस टाइम लाइट फंक्शनल है बट इफ यू वॉन्ट टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर जंक्शन वहां पे टाइम लगता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ फ्लाई ओवर देयर स्टिल ट्रैफिक क्वांटम इतना है कि आपको कभी 5 मिनट 6 मिनट उससे ज्यादा भी टाइम लगता है क्योंकि जब क्वांटम ऑफ ट्रैफिक ह्यूज है तो इसमें जो सॉल्यूशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं सो नॉट नेसेसरी कि लाइट ही हर किसी का यू नो जवाब है मे बी समवेयर यू हैव टू हैव अ राउंड अबाउट या कहीं पे डाइवर्जन और ए ग्रेड सेपरेटर और ए फ्लाई ओवर तो इट वॉज प्राइमरीली मेंट फॉर दैट जहां जहां पे हमें लगता कि हमें रिमूव करना है हम करते हैं लेकिन वी आर कंस्ट्रेंड आज की डेट में वंस दीज जो वर्क्स जो स्मार्ट सिटी की ये कंप्लीट हो जाए बाईपास में भी बहुत सारी जगहों पे जो है डाइवर्जन्स लगे हमने दिए हैं नवगाम में था नवगाम में ऑलरेडी ग्रेड सेपरेटर का काम चले वंस दैट इज डन दिस विल बी वो रिमूव होके नॉर्मल ट्रैफिक वहां पे चलना है बेमिना में भी था वहां पे भी डाइवर्जन लगा था वहां पे भी इसका ग्रेड सेपरेटर का काम चल रहा है सनत नगर में भी द ग्रेड सेपरेटर इज कमिंग अप तो अगेन हमें वहां पे डाइवर्जन फिर देना ही देना था बट वी हैड बीन प्रीएम्प्टिव तो हमने पहले ही उसको दिया सो घूम फिर के अगर देखें आप श्रीनगर सिटी में आई सी ओनली टैंकपोरा में एक जहां पे हमने डाइवर्जन यहां पर खोल सकते हैं बट द प्रॉब्लम इज दैट एट द पीक आवर्स अगर हम उसको वहां खुला छोड़ते हैं उस पर्टिकुलर डाइवर्जन को हैंड्स डाउन आपको 15 से 20 मिनट उससे ज्यादा आधा घंटा भी लगता है उस पर्टिकुलर जंक्शन को क्रॉस करने में आई हैव नो प्रॉब्लम इन ओपनिंग दैट अप लेकिन ये है कि फिर लोग कंप्लेंट करते हैं जी हम वहां पे टाइम काफी लगता है जब लोग फंसते हैं वहां पे तो कहते हैं जी कुछ इसका करें जब हम आप कुछ इंटरवेंशन ऑन आर ओन पार्ट करते हैं देते हैं नहीं ये गलत है
इफ यू सी छानपुरा जो बाईपास पे जो ब्रिज है वहां पे ब्रिज की कंडीशन बहुत खराब है. आप देखिए वहां पे सडन बॉटल नेक बना है, ट्रैफिक जैम वहां पे होता है. सच कंडीशन अर्जन भाई का कि आई एम मेरे साथ बाकी स्टेक होल्डर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अच्छा, हम क्योंकि कुछ पर्टिकुलर रोड्स की बात करें, सोवरा रोड जो है वो हमेशा कंजेस्टेड रहता है एंड इट लीड्स टू वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स. तो एम्बुलेंसेस को पास करने में भी बहुत परेशानी होती है, उसके लिए डू वी हैव अ गुड प्लान? देखिए सोवरा में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बॉटल नेक अगर हम करण नगर से आगे देखें तो पहले तो वो सिग्राफर चौक आता है. सिग्राफर चौक से आगे चलेंगे हम फिर जो अली मस्जिद वाला जंक्शन एक और आता है, आगे चल के जो स्किम्स का मेन जंक्शन है वहां पे आके रेस्ट बीच में उस लेवल का कहीं पे इतना इशू नहीं है. ऑल ऑफ दीज जंक्शंस हैव ऑलरेडी बीन टेकन अप अंडर स्मार्ट सिटी. तो सोवरा जंक्शन उस पर काम शुरू हो गया था तो बट फोकस ज्यूरिंग G20 कहीं और पे कम्प्लीशन का था तो वो कम्प्लीट हो गया. इंशाल्लाह आई थिंक इस पर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो रोड थोड़ी क्लियर होगी. उसमें जो सिग्राफर वाला जंक्शन है उसमें भी दैट इज बीइंग टेकन अप. लिमिटेशन है एक पर्टिकुलर चौक की. सो देयर आर कुछ चीजें हैं जो विच आर बियॉन्ड मी, जहां पे बाकी स्टेक होल्डर्स का जो है इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. बट बिकॉज यू नो आई एम विजिबल ऑन ग्राउंड तो आपको सारा कुछ दिखता है कि ये सारा कुछ मुझे करना है. बट देन आई कैन नॉट डू इट अनलेस एंड अंटिल आई हैव सर्टेन थिंग्स ऑन ग्राउंड. दैट इज वाई आई टोल्ड यू मेरी जो स्पेसिफिक एंड डिफाइंड जो मेरा रोल है वो रेगुलेशन है और एनफोर्समेंट है. रेगुलेशन में तब कर पाऊंगा जब मेरे पास अच्छे रोड हो, ब्रिजेस हो, ओवर ब्रिजेस हो, फ्लाईओवर्स हो, मल्टी लेवल पार्किंग्स हो, वेरी डिफाइंड कैरेज विड्थ हो. ऑफ कोर्स ऑटो वाले जो हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, आई एम श्योर अ पार्ट ऑफ इट इज विद द आरटीओ, बट जैसे कि वो कभी कभी नहीं अक्सर देखा गया बहुत रैश ड्राइव करते हैं, खासतौर पर जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा स्लो मूविंग हो या उनका फेयर आप देख लें बहुत ज्यादा वो फेयर चार्ज करते हैं. बिल्कुल. इसमें अगेन जो है इफ यू सी लास्ट ईयर मैंने 7-8 बार इन पे मेरी स्पेसिफिक ड्राइव्स किए तो सडनली सब ऑटोज बंद, हड़ताल, नाराबाजी हो गई. अगेन रोड ब्लॉक, आई हिट अ रोड ब्लॉक बिकॉज जो फेयर का जो रेगुलेशन है वो मेरे एम्बिट में नहीं आता है. लेकिन क्या है कि मैं जब इनको पकड़ता हूँ कि आप फेयर ज्यादा, वो कह रहे हैं जी हमारे पास जो है फेयर पुराना है, आप इसको रिवाइज करा के दें. एक प्रॉब्लम जो मैंने हमेशा देखी है, आई हैव नेवर सीन अ मैसिव चेंज इन दैट, एंड दैट इज कि जो आपके मिनी बस ड्राइवर्स हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना भी है वो उनको जहां रुकना है वो बिल्कुल अपनी मर्जी से रुकते हैं और बीच सड़क में रुकते. बिल्कुल ये and it has never changed. Every stakeholder has to work on this one. Correct. हमारी बारह जो है इनके साथ बात होती है, इनकी जो दे हैव देयर ओन एसोसिएशंस उनको बार बार लाते हैं. बट इन देयर सर्टेन थिंग्स जो इनको एक आदत सी हो गई, उस आदत से वो उससे निकलना नहीं चाहते. माइंड सेट है इनका एग्जैक्टली तो यहीं पे रुकेंगे, इसे ना आगे पीछे नहीं रुकेंगे. द प्रॉब्लम इसमें जेनेसिस बेसिकली क्या है कि क्योंकि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोबस्ट नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है, इनको लगता है कि हम कहीं पे रुकेंगे जब तक पूरी गाड़ी ना भर नहीं जाएगी तब तक नहीं निकलेंगे. This is going to change with the introduction of these smart buses. But I think also the traffic department को थोड़ा implementation में I think they should go a little tough. Exactly. Because पूरा traffic वो exactly. Without giving any attention कि पीछे गाड़ियां हैं वो honk हो रही है और पूरे का पूरा road block. अब मैं आपको बता दूं वही इसमें क्या है कि we can penalize a specific number of people in a day. But with the introduction of the ITMS, हमारा camera लगा है, it is recording. तो मेरी जो कैपेसिटी है वो काफी इंक्रीज होगी, हो जाएगी उससे. सो स्पेसिफिकली जैसे जंक्शन जहां पे ये रुकते हैं तो मेरा वहां पे जो कैमराज हैं, जो एनालिटिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज जो यंगस्टर्स है, वी स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर ऑल्सो, हमने सोशल मीडिया से ही शुरू किया था और इस साल भी हमने सोशल मीडिया से ही शुरू किया. वी स्टार्टेड आइडेंटिफिकेशन, वी स्टार्टेड गेटिंग देम, एंड देन मैं अथॉरिटी के साथ आपको कह सकता हूं कि मैंने 200 के करीब स्टंट बाइकर्स को अपने पास ऑफिस में लाया. वी सीज देयर व्हीकल्स और जब उनकी जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट एक महीना कॉन्स्टेंट इनकी हमने वहां पे काउंसलिंग की. काउंसलिंग सिर्फ स्टंट बाइकर्स की नहीं की, इनके पेरेंट्स को भी. इसमें मेरी गुजारिश यही रहती है कि पेरेंट्स हैव टू बी अ बिट प्रोएक्टिव, क्योंकि आप बच्चों को महंगी सी महंगी बाइक देते हैं. दूसरा है कि जब बच्चे निकलते हैं आर यू इवन कंसर्न्ड फॉर देम कि ये कहाँ जा रहे हैं? आप इनसे कभी पूछते हैं कि आप किधर जा रहे हो, कौन आपके साथ है, या
आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी, या अगर आपका जो ये मोटरसाइकिल है इसमें नंबर प्लेट क्यों नहीं लगा है। बिल्कुल। सो बिकॉज दे एंश्योर कि नंबर प्लेट इसका रिमूव करें सो दैट आइडेंटिफिकेशन बिकम्स डिफिकल्ट, या यही बच्चे अपलोड करते हैं। द रोल ऑफ द पेरेंट्स इज वेरी मच। दूसरा ये कि सोसाइटी एट लार्ज, आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग पीपल कि आपको अगर कहीं पे दिखता है प्लीज फॉरवर्ड मी पिक्चर या नंबर ही भेजें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर सिटी में हमें लगता है कि देर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग द स्टंट बाइकिंग, बट व्हाट माय एनालिसिस शोज कि जो हमने स्टंट बाइकर्स को लाया उसमें एक स्पेसिफिक ही परसेंटेज दे बिलोंग टू श्रीनगर सिटी, रेस्ट फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट पीपल कम एंड डू इट हेयर। अगर आपके आप अपने बच्चों के बारे में बॉदर नहीं है देन हाउ डू यू थिंक समबडी एल्स वुड बी। लेकिन हमारे लिए जो है कि हमारा रोल डिफाइंड है, हम कोशिश करेंगे कि इसको रोकने की। अच्छा, हाई बीम ये जो रात को ड्राइविंग का है, हाई बीम लो बीम, ये कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले तक बिल्कुल नहीं था, बट आई हैव सीन दैट यू नो देयर इज अ चेंज। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट इफ यू सी आर ट्विटर हैंडल भी, मैंने लास्ट ईयर आई स्टार्टेड अ वेरी सीरियस कैंपेन ऑन जो हाई बीम लो बीम में ये जो चलने का रिवाज यहाँ पे था नहीं। एक दूसरा है कि एलईडी स्ट्रिप्स, एलईडी बार्स काफी सारे लोग लगाते हैं। इट टुक मी 5-6 मंथ्स एंड सडनली उसके बाद 5-6 महीनों के बाद क्या लगा कि द नंबर हैज ड्रॉप्ड एप्रिशिएबली। अब ये है कि क्योंकि एक नॉर्मल सी एक चीज थी, अब इस ना जो एबनॉर्मल चीज को नॉर्मल बनाने में बिस इट टेक्स टाइम। सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ऑफ कांस्टेंट जो है ना रोड पे जाना, और ये रात के टाइम होता है, तब जाके आई फाउंड दैट चेंज इज पॉसिबल इन श्रीनगर। सेम वे दैट वी हैड बीन फोकसिंग ऑन द हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, आई मीन सेम, इट हैज टेकन मी ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स टू रीच दिस पर्टिकुलर लेवल की, जहां पे अब हमारी जो है HSRP की जो परमिशन है अच्छी खासी है। अदरवाइज आप देखेंगे एक्सीडेंट होता था, पता नहीं है कि किस गाड़ी ने किया, जस्ट बिकॉज की नो वन इज बॉदर्ड विद द हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। इट इज टेकिंग टाइम एक्चुअली, जितना फोकस आप एक पर्टिकुलर चीज पे करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, बट देन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट जस्ट लेट इट गो। इज द डिपार्टमेंट अंडरस्टाफ्ड? यस इट इज। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो 2018 में जो मैन पावर था, आई एम शॉर्ट ऑफ 150 पीपल एज ऑन डेट, सो आइडियली इट शुड हैव बीन 150 एक्स्ट्रा, बट आई एम, there's no doubt about it. अच्छा, पिछले 4 सालों में रेवेन्यू जो है चालान वगैरह फाइन से लगभग 100 करोड़ आया, एंड ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ इट इज विद द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, बट आपने मैंने देखा कि कुछ आपने शहर में बाइक्स दी हुई हैं ट्रैफिक कॉप्स को, व्हिच इज अगेन बेसिकली वो है कि अपग्रेडेशन हो रहा है धीरे धीरे करके, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द मोबिलिटी। देखिये, जितनी मेरी मोबिलिटी होगी उतना मेरा जो है आउटरीच ज्यादा होगा। सो इफ यू सी बाइक्स, सडनली आप देखेंगे बाइक्स मेरे पास आई, वी यूजिंग इट्स ए वेरी गुड मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर यू नो हमारे लड़कों के लिए, बिकॉज यू रीच इमीडिएटली, और एक इफेक्टिवनेस इसकी अच्छी खासी है। सो इफ यू सी एंड स्मार्ट सिटी ऑल्सो, द स्मार्ट सिटी हैज गिवन मी सर्टेन व्हीकल्स ऑल्सो, बिकॉज हम जॉइंटली काम करते हैं। सडनली यू सी हर किसी चीज में हर कोई स्टेक होल्डर आपके साथ हैंड होल्ड करके अब जब आप चलते हैं तो इट क्रिएट्स यू नो मिरेकल्स इन अ सेंस, इट डज क्रिएट। अच्छा, लास्ट सवाल एंड वी विल वाइंड अप, कहीं पे अगर कंप्लेंट लॉन्च करनी हो किसी ट्रैफिक कॉप के अगेंस्ट या किसी गाड़ी के अगेंस्ट, इज देयर अ नंबर, हाउ कैन दे रीच यू? हमने एक स्पेशल सर्विस नंबर जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमने उसको एक्सेसिबल बनाया। ऑल यू हैव टू डू इज डायल 103 आप अपने किसी भी जो आपका BSNL हो, Jio हो, Airtel से आप सिंपल डायल करके वहां पे कंप्लेंट आप अपनी लॉग कराएं। एक तो हुआ, दूसरा है कि वी आर ऑन ट्विटर, आप ट्विटर पे हमें टैग कर सकते हैं, फेसबुक पे, और यू कैन, मेरा नंबर अवेलेबल है, आई रिसीव सो मेनी, बट एज एन इंस्टीट्यूशनल थिंग हमारा ट्विटर हैंडल है, और यू कैन लॉग इन द कंप्लेंट विद 103, और यू कैन इवन मेल अस, हमारा जो ऑफिशियल मेल आईडी है आपको हमारी वेबसाइट जो J&K ट्रैफिक पुलिस वहां पे मिलेगी, SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर का जो है ऑफिशियल मेल आईडी है, यू कैन सेंड। सो वी आर एक्सेसिबल ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, वी आर मोर देन यू नो ओपन टू इट कि एटलीस्ट करेक्टिव मेजर्स अगर मैं खुद नहीं लूं तो फिर कौन लेगा। वी हैव टू पहले अपने आप को सुधारना, फिर मैं दूसरे को बता सकता हूं कि आपको जो है सुधारने की आपकी जरूरत है। थैंक यू सो मच मुजफ्फर साहब फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी स्पॉटिंगली। थैंक यू। देखते रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल, मैं हूँ यूसरा हुसैन।